एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंट्रो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। एज यू नो कि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को आईएलटीएस की प्रिपरेशन करवाई जाती है और रीसेंट न्यूज जो है आईएलटीएस से रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, बहुत ही बड़ा अपडेट हुआ है आईएलटीएस की एग्जामिनेशन में कि आप 3 सितंबर के बाद में अपना जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो उसकी डेट, उसका जो स्लॉट है वो खुद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डेट आपको यूं नहीं जैसे पहले रैंडम दी जाती थी, आपको पता ही नहीं होता था, कई कई बार स्टूडेंट्स को जस्ट बिफोर 2 डेज ही पता चलता था, तो वैसा झंझट नहीं है। अब आप काफ़ी सिक्योर हो चुके स्पीकिंग मॉड्यूल से रिलेटेड। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये इंटर क्वेश्चन है। हाल ही के एग्जाम में जस्ट अभी जो पास्ट एग्जाम हुए थे पास्ट मंथ्स में, उनमें ये जो है टॉपिक 4 से 5 बार पूछा गया है, तो मे भी चांसेस हैं कि ये आने वाले टाइम में पूछा जा सके। तो कुछ इम्पोर्टेंट इसके 4 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, अगर वो 4 आपने प्रिपेयर कर लिए तो उसके अलावा अगर आप वे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उनमें से कोई भी आइडिया बता सकते हैं। सो लेट्स मूविंग टू फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। डू यू लाइक टॉकिंग विद पीपल? यस, आई एम वेरी सोशल पर्सन। आपको इसका जो आंसर देना है वो है यस, आई एम वेरी सोशल पर्सन एंड लाइक टॉकिंग विद पीपल। इन फैक्ट एवरी डे ऑन माई कम्यूट टू कॉलेज आई लाइक टू पिक अप कन्वर्सेशन विद माई फेलो पैसेंजर्स ऑन बस। सो सेकेंड है, हाउ डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स? आई लाइक गोइंग टू द शॉपिंग मॉल, ईटिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स और वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर विद माई फ्रेंड्स। आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स। सो ये 3rd नंबर है। वुड यू प्रेफर टू स्टडी अलोन और विद अदर्स? आई लाइक टू स्टडी अलोन एज आई फाइंड इट इज ईजियर टू कंसनट्रेट एंड फोकस ऑन माई स्टडी वैन आई एम बाय माई सेल्फ। 4th नंबर है, डू यू रिमेम्बर अ टाइम वैन यू नीड टू कोऑपरेट विद अदर्स? आपको कनेक्टिव यूज करना है, यस। वेल, आई पार्टिसिपेटेड इन माई स्कूल साइंस फेयर इन 10th ग्रेड। आई हैड 2 मोर स्टूडेंट्स इन माई टीम एंड ईच मेंबर ऑफ आर टीम हैड अ स्पेसिफिक टास्क। वी वर्क रियली वेल टूगेदर एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ आर कोऑपरेशन दैट वी गॉट 2nd प्लेस इन फेयर। ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत ही जरूरी समझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए रीडिंग्स पे, रीडिंग की जो टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अराउंड 5 टिप्स में आप 8 बैंड तक आराम से गेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, 8 लेना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपको 35 मार्क्स चाहिए होते हैं, 35 मार्क्स को आप जस्ट ये 5 जो ट्रिक्स है वो यूज करके ग्रैप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।